हेलो बच्चों, यदि आप भी एक चित्रकला का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 830 IB क्लास 10th का, तो इसके आप विकल्प मिला लीजिए। दोनों ही आलेखन और प्रावर्तिक दोनों के ही इसमें विकल्प बताए जाएंगे। तो पहले का कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता? तो बेटा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोण आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल खींची गई रेखा हल्की होती है? सबसे हल्की बेटा 2H की होती है, ठीक है, 2H की। कमरे की छत का आलेखन कौन सा होता है? इसका बी वाला ऑप्शन होगा। चौथा, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? तो बेटा संस्कृत भाषा का, बी वाला। पांचवा, कपड़े की रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो एक्रिलिक रंग होता है ये बेटा, ए वाला इसका ऑप्शन सही होगा। छठा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सातवा, मुख्य रंग कितने होते हैं? बेटा 7 होते हैं। आठवा, स्लेटी रंग किन दो रंगों का मिश्रण है? तो काला और सफेद का मिश्रण, यानी ए वाला। नवा, मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग की विविधता, यानी नमे का सी। दसवा, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीले का बेटा नीला होता है अष्टवाल चक्र में। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? गर्म रंग लाल होता है, ठंडा रंग हरा होता है, अगर ठंडा ऑप्शन आता तब। हरा रंग किन दो रंगों के मिलाने से बनता है? नीला और पीला। और आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बेटा 3 प्रकार के होते हैं, बी वाला ऑप्शन। चौदहवा, चारकोल क्या है? चारकोल एक ग्रेफाइड है। और पंद्रहवा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताइए आपके कितने विकल्प ठीक हुए हैं। अष्टवाल चक्र में बेटा 8 रंग होते हैं, ए वाला। पंद्रहवा, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल रंग, सी वाला। काले रंग का विरोधी रंग है तो सभी जानते हैं, खैर सफ़ेद रंग होता है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? बेटा 2 रंग होते हैं। उन्नीसवा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है? नारंगी रंग है। और बीसवा, साड़ी की किनारी के लिए इसका ऑप्शन सही होगा, किनारी डिज़ाइन का प्रयोग साड़ी की किनारी के लिए। तो इस तरह से ये हमारे आलेखन कला के विकल्प थे। अब जिसने प्राविधिक कला के विकल्प करे हो बेटा वो भी मिला लो। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो घन में होते हैं, शंकु तो बेटा इस तरह से होता है देखो ऐसे, और समबाहु त्रिभुज होता है, और प्रिज्म प्रिज्म में भी नहीं होता है। आयताकार फलक एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? बेटा 4 आयताकार फलक होते हैं। संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण 180 का और संपूर्ण कोण 360 का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बेटा 100 सेंटीमीटर। घन के प्रत्येक फलक किस प्रकार के आकार का होता है? घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, बी वाला। छठा, एक घन में कितने फलक होते हैं? बेटा 6 फलक होते हैं, यानी कि सी वाला छठे का। सातवें का बेटा ए वाला होगा, 10 सेमी 1 डेसीमीटर में। और आठवें का, एक बेलन का एक सिरा वृत्ताकार, दूसरा सिरा भी बेटा वृत्ताकार ही, दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं इसके। और नवा, निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्गाकार है? बताओगे तो बहुत ही आसान है कि वर्गाकार होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? बेटा 11वां, वृत्त का आकार तो ये वाला वृत्त का आकार होता है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुज का है? बी वाला। और 13वां, संपूर्ण कोण होता है बेटा 360 का। 14वां, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है वर्ग का प्रत्येक कोण। उसके बाद फिर क्या है देखते हैं। 15वां, मापनी में पहले प्रयोग के लिख जाता है 0। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है, सभी जानते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हों, यानी ए वाला। 18वां, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त के एक केंद्र की एक और 120 डिग्री का कोण है तो दूसरी ओर 240 का, क्योंकि टोटल मिला के 360 होता है, एक 120 दूसरा 240। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? बेटा 90 डिग्री। इस तरह से ये विकल्प आपने कौन से करे हैं और कितने सही हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइए। उसके बाद प्राकृतिक दृश्य आप ये बना दें, या तो आयत में निम्नलिखित का एक दृश्य बनाइए, चरवाहा गायों को चराता हुआ, वृक्षों की कुछ झोपड़ियाँ, या फिर ज्यादातर बच्चों ने बेटा ये बनाया 8 सेमी भुजा वाले वर्ग। 8 सेमी भुजा का एक वर्ग बना देंगे जिसमें कमल का फूल, पत्ती, कली और मछली का संयोजन कर देंगे और कलर वलर इसमें भर देंगे। इसके अलावा अगर आपको ये करना हो, 6 सेमी रेखा आवा पर संभावु त्रिभुज की रचना कीजिए, एक वर्ग आवा सादा की रचना कीजिए, जिसकी वजह 6 सेमी एक वर्ग के अंदर एक वृत्त की भी रचना कीजिए, और ये तीन हमें इसमें से तीन करना है कोई से भी। अब उसके बाद या तो ये कर दें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, बाल्टी और मग, कप, प्लेट, कलम और छाता, इसमें से कुछ भी बना सकते हैं बेटा, या फिर मतलब उन 4 में से 1 और इन 4 में से 1 बना देंगे। तो आपका पेपर आज का कैसा रहा और कितने आपके विकल्प सही है कमेंट्स बॉक्स में बताइए।